बातचीत करते हैं। उदित राज जी, अभी कुछ दिन पहले जब आपसे बात हुई थी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कि दलितों के घर जाना चाहिए, दलितों के गांव में जाना चाहिए, उनके घर खाना चाहिए, लेकिन इस बीच में जिस तरह के बयान आए उमा भारती, अनुपमा जायसवाल, सुरेश राणा ने जो किया और आप जिस तरह से कह रहे हैं, आखिर ये पूरा विवाद क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर एक कार्यक्रम दिया गया कि सांसदों विधायकों को जाकर सरकार के कार्यक्रम के बारे में दलितों से बातचीत करना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए और सशक्त करना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो एक इलाज खोजा जा रहा है इस बात का कि दलितों को पटाने के लिए या समाज के अंदर सद्भावना पैदा करने के लिए इनके यहाँ चाय पी लो, खाना खा लो, ये बात बीती हुई जमाने की हो गई है। तो अप्रैल की घटना से हमें समाज को समझ लेना चाहिए कि वो आखिर में इतनी बड़ी घटना हुई क्यों, इसलिए कि उसके ठीक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आए थे जिसमें दलितों के अधिकार की कटौती हुई थी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम खत्म किया गया था, कमजोर किया गया था, और यूनिवर्सिटीज में टीचर्स रिक्रूटमेंट का जो रोस्टर है उसको बदल करके आरक्षण खत्म कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त भी जो ये ठेकेदारी प्रथा है, प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, यूथ को रोजगार दशकों से नहीं मिल पा रहा है, ये कारण थे जिसकी वजह से सड़कों पर आया है। तो जब तक उनके कारणों को नहीं समझ करके उसके हिसाब से उनको प्रोग्राम बनाया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, भागीदारी दिया जाए, तब तक कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, किया जा सकता है, तब तक कैसे उनके दलितों से विमर्श किया जा सकता है।